दोस्तों एयरपोर्ट पर यूं तो हर कंट्री का अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो न केवल फुल प्रूफ होता है बल्कि फुल कॉन्फिडेंट भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी तस्करी करने वाले लोग ऐसे ऐसे तरीके इजाद कर लेते हैं जो सिक्योरिटी सिस्टम को चुनौती देते हैं। तस्करी के नए नए तौर तरीकों को पकड़ने के लिए जबरदस्त इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है, एयरपोर्ट पर इनलीगल आइटम्स की तस्करी करने वाले इन ट्रैवलर्स और सिक्योरिटी सिस्टम दोनों में से कौन ज्यादा चालाक है? चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं दुनिया के वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के सिक्योरिटी सिस्टम और उन्हें चकमा देकर गुजरने की कोशिश करने वाले ट्रैवलर्स के बारे में। नंबर एक, दोस्तों भारत के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना मिली कि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कुछ तस्करी का माल आने वाला है। अपने इंटेलिजेंट इनपुट के बेसिस पर एयरपोर्ट बस स्टाफ चौकन्ना हो गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान की एरियाना एयरलाइन से आए कुछ अफगानी नागरिकों की गतिविधियां संदिग्ध लगी। काबुल के रास्ते दिल्ली आने वाले इन अफगानी नागरिकों की जब चेकिंग की गई तो इनके पेट में कुछ कैप्सूल होने के संकेत मिले। निया अब्दुल्ला खाकसर, गुल अहमद, सैयद महमूद कितली को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्सरे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि इनके पेट में हेरोइन के कैप्सूल थे। निया अब्दुल्ला खाकसर के पेट में 80, गुल अहमद के पेट में 100 और सैयद महमूद कितली के पेट में 40 कैप्सूल पाए गए। तस्करों से कुल जितने कैप्सूल मिले उन्हें मिलाकर उस हेरोइन की कुल कीमत 2 करोड़ रुपए थी। हालांकि सूत्रों से ये बात पता चली कि अफगानी नागरिक इस तरह की तस्करी में पहले भी लिप्त पाए गए हैं। तस्करी के इस नए तरीके के बारे में जानकर सब हैरान हो गए थे। नंबर दो, मित्रों कुछ समय पूर्व आपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जरूर देखी होगी जिसमें एक तेंदुए का बच्चा एयरपोर्ट स्टाफ के पास है और बोतल से दूध पी रहा है। इस क्यूट सी तस्वीर को जिसने भी देखा खुश हो गया, लेकिन इस खुशी के पीछे की कहानी तेंदुए के उस बच्चे के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रही। दरअसल चेन्नई एयरपोर्ट पर एक आदमी बैग लेकर जा रहा था, तब अधिकारियों ने देखा कि उस आदमी के बैग में कुछ हलचल हो रही है। जब उस बैग की तलाशी ली गई तब उसमें तेंदुए का ये बच्चा मिला। हर शख्स ये देखकर हैरान रह गया कि एक मासूम से तेंदुए के बच्चे के साथ इतनी क्रूरता कोई कैसे कर सकता है। गाजी मोहिद्दीन के बैग में पाया गया ये तेंदुए का बच्चा एयरपोर्ट स्टाफ के हवाले कर दिया गया। गाजी मोहिद्दीन जो तस्करी के द्वारा उसे बाहर ले जाने की फिराक में था पकड़ा गया। तेंदुए को तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया और गाजी मोहिद्दीन पहुंच गया अपनी असली जगह यानी कि सलाखों के पीछे। नंबर तीन, मोरक्को एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों ने जब दो गद्दों की जांच की तो हैरान रह गए। उन गद्दों में दो आदमी छुपे हुए थे जो बिना किसी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के देश से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। अरे भाई, अगर देश से बाहर ही जाना है तो बाकायदा वीजा पासपोर्ट के साथ जाते। इस तरह जान को जोखिम में डालकर आप जहां जाएंगे वहां हमेशा खतरे में रहेंगे और वहां के कानून का शिकंजा हमेशा आपकी तलाश कर रहा होगा। नंबर चार, हाल ही के दिनों में दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक शख्स मुराद अली पकड़ा गया जो मूंगफली, पके हुए मांस के टुकड़े और बिस्किट में विदेशी मुद्रा छुपाकर ले जाने की फिराक में था। करीब 45 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा को इस तरह उसने कवर किया था कि देखकर पहचानना आसान नहीं था, मगर शातिर मुराद अली सिक्योरिटी स्टाफ को चकमा नहीं दे पाया और धरा गया। CISF के प्रवक्ता सहायक महानिरीक्षक हेमेंद्र सिंह ने बताया कि फॉरेन करेंसी की तस्करी का ये मामला अपने आप में अनोखा है। नंबर पांच, दोस्तों अब हम तस्करी के जिस मामले की जानकारी आपको देने जा रहे हैं ना, उसे जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है। दरअसल कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर एक ट्रैवलर परवीन सुल्ताना अब्दुल रशीद की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। जब एयरपोर्ट की लेडीज स्टाफ ने उसकी जांच की तो उसकी बॉडी में मेटल के होने के संकेत मिले। सघन जांच की गई तो ये बात सामने आई कि उस महिला ने अपने प्राइवेट पार्ट में सैनिटरी पैड से कवर करके 500 ग्राम सोने का पाउडर रखा हुआ है। महिला की इस हरकत पर एयरपोर्ट का स्टाफ भी हैरत में पड़ गया। मित्रों, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ की इंटेलिजेंसी और तस्करी के इन बेहुदा तरीकों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में लिख देना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।